हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिजी स्टडी में। आपका इवोल्यूशनरी हेरिटेज चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने मेंडल्स के लॉ की बात कर ली। बाकी हमने तीन सिचुएशंस की बात की थी इवोल्यूशन से रिलेटेड। पहले मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ आपको, और उसके बाद फिर हम इसको थ्योरेटिकली देखेंगे। सिचुएशन वन में मैंने बताया था कि सिचुएशन में दो प्रकार की बीटल थी, एक कलरफुल थी, एक ग्रीन कलर की थी। कलरफुल जो बीटल्स थी वो ग्रीन कलर की लीफ पे और प्लांट्स पे इजीली दिख जाती थी, तो बीटल्स इसे खा जाते, जो भी एनिमल्स थे इसे खा जाते थे, तो वहाँ पे रेड बीटल रह गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने नेचुरली इनका कलर चेंज हुआ था, और नेचुरली कलर चेंज होने की वजह से क्या हो गया कि ये केवल वहाँ पर बाद में ग्रीन कलर की बीटल्स को ही जमा रहा, और बाकी रेड कलर की जो बीटल्स हैं वो सारी रेड कलर की बीटल कैसी हो गई हमारी, ख़त्म हो गई। सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ, दोनों टाइप की बीटल थी, रेड कलर है उसमें। अब इस केस में क्या हुआ कि हाथी घूम रहा था, और हाथी के घूमने से हाथी के पैर से ये ग्रीन कलर की बीटल्स पे पैर रख के, और ग्रीन कलर की बीटल धीरे धीरे ख़त्म हो गई, और वहाँ पर रेड कलर की बीटल का नंबर क्या होगा, ज़्यादा। तो ये क्या हो गया हमारा, किसी एनिमल्स की वजह से हुआ है। थर्ड सिचुएशन में बीटल्स थी, एक नॉर्मल साइज था, धीरे धीरे नेचुरल कंडीशन चेंज होने की वजह से उनका क्या साइज डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने का ये ड्यूरेशन कुछ समय के लिए आया, और जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आ गई दोबारा वो अपने रिसाइज कर गई, अपने वेट उनका इंक्रीज हो गया। अब इन तीनों सिचुएशंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इनके सिचुएशन में क्या क्या। सिचुएशन वन में मैंने बताया कि ऑल बीटल रेड्स, रेड कलर की बीटल थी एक्सेप्ट द वन ऑफ द ग्रीन। वन बीटल ऑफ द ग्रीन इसने रिप्रोड्यूस किया, प्रोजेन्यू ग्रीन बीटल का नंबर बढ़ा। क्रो बट नॉट फीड द ग्रीन बीटल्स, क्रो ने ग्रीन बीटल को नहीं खाया, रेड बीटल इजीली दिख जाती थी और उन्हें क्रो ने फीड कर लिया, तो इसकी जो नंबर ऑफ बीटल थे जो रिड्यूस हो गए, ये नंबर ऑफ बीटल्स का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सिचुएशन क्या थी कि ग्रीन बीटल्स डू नॉट सर्वाइव, ग्रीन बीटल गॉट द सर्वाइव टू एडवांटेज ऑफ दे आर नेचुरली सेलेक्टेड। अब वर्ड ये पूछना आता है कि नेचुरली सेलेक्टेड थी ये, क्योंकि इनका कलर नेचुरली था, तो ये नेचुरली सेलेक्टेड होने की वजह से सर्वाइव कर गई, जो बीटल दिखती नहीं थी। नेचुरल सेलेक्शन एस्किल द क्रो एंड रिजल्ट्स द एडॉप्टेशन ऑफ द बीटल्स इज द फिट इन टू बेटर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के हिसाब से फिट थी, तो ये क्रो इसको नहीं खा पाया। सेकेंड सिचुएशन में मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ द रेड बीटल रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस किया इन्होंने, ऑल बीटल्स आर द रेड एक्सेप्ट द वन दैट आर द ब्लू, एक ब्लू थी बाकी रेड थी। वन ब्लू बीटल रिप्रोड्यूस किया, नंबर ऑफ ब्लू बीटल्स इंक्रीज, इनका इंक्रीज हुआ, और नंबर ऑफ रेड बीटल ऑल्सो, इनकी दोनों इंक्रीज हुआ। अब हुआ क्या, क्रो कैन बी सी बोथ द ब्लू एंड रेड बीटल्स कैन ईट देम। अब यहाँ पर तो दोनों ही कलरफुल हैं, ग्रीन कलर का तो है नहीं, तो क्रो दोनों को खा रहा था, बट नंबर ऑफ रिड्यूस बाई स्टिल रेड बीटल मोर एंड ब्लू बीटल इन आर फ्यू, क्यों सडनली एलिफेंट कम एंड स्टम्प्स ऑन द बसेस एंड नाउ बीटल्स लेफ्ट आर मोस्टली ब्लू, रेड बीटल सारी खत्म हो गई, मोस्टली ब्लू वाली बीटल्स बची। तो ये किसके थ्रू हुआ, एनिमल्स के थ्रू हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ, सेकेंड सिचुएशन में ब्लू बीटल्स डिड नॉट गो द सर्वाइव द एडवांटेज, सर्वाइव नहीं कर पाई वो, एंड एलिफेंट सडनली कॉज द मेजर हैप्स टू इंटर बीटल पॉपुलेशन, अदरवाइज द नंबर वुड बी हैव बीन कंसिडरेबली लार्ज। फ्रॉम दिस सिचुएशन कैन कंक्लूड दैट एक्सीडेंटली कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन, यहाँ हम बात करेंगे एक्सीडेंटली उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चेंज हो गई। इवन डू नॉट हैव सर्वाइव एडवांटेज दे आर कॉल्ड द जेनेटिक ड्रिफ्ट इन लीड टू वेरिएशंस, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से लीड टू वेरिएशंस, यहाँ पर वेरिएशंस आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें करेक्टर ऑफ द ट्रेस द ऑर्गेनिज्म तो कंट्रोल बाय द जीन्स, डीएनए सेलुलर जीन बनता है, जीन से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, तो प्रोटीन कंट्रोल करती है करेक्टर्स को। और जी टी वन जी आपने दिखा रखा है, पहले पढ़ा रखा है मैंने इसके बारे में, कि जीन टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम प्रोटीन, मोर प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स एंड रिजल्ट इन द टॉल प्लांट। टी जीन हम बता चुके हैं, टी जीन होती है टॉल प्लांट के लिए होती है, जब ये प्रोमिनेंट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है या इसका प्रोमिनेंट हो जाता है, तो टॉल प्लांट हमें पैदा होंगे। स्मॉल टी की अगर हम बात करें, जब इसकी प्रोमिनेंट हो जाती है, ये जब प्रोडक्शन इसका ज़्यादा हो जाता है, तो रिजल्ट में शॉर्ट प्लांट पैदा होते हैं। थर्ड सिचुएशन की बात करें, अगर थर्ड सिचुएशन में हमने देखा कि ग्रुप ऑफ रेड बीटल था, और ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स हैबिटेट द बीटल्स द सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, इन्हें डिजीज हो गया कोई, इनका साइज कम हो गया, नरिशमेंट कम मिल रहा है इन्हें खाने के लिए, तो नंबर ऑफ बीटल कैप द रिड्यूस, इनका साइज कैसा हो गया, कम हो गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इन्हें प्रॉपर फूड मिलने लग गया,
तो क्या हुआ, इनका नरिशमेंट प्रॉपर हो गया तो इनका साइज दोबारा से इंक्रीज हो गया। तो दैट मीन्स नो जेनेटिक चेंज, इनमें कोई जेनेटिक चेंज नहीं आया। किस वजह से हुआ था, फूड की वजह से। अगर फूड इन्हें प्रॉपर नहीं मिलता रहता तो ये साइज कम नहीं होता इनका, लेकिन फूड कम मिल गया, कम मिला इसलिए साइज कम हो गया। एंड पॉपुलेशन गेट द अफेक्टेड टू शॉर्ट ड्यूरेशन ऑनली इन्वायरमेंटल चेंज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो चेंज हुआ था किसकी वजह से हुआ था, इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से। तो पहले में किसकी बात की गई थी, पहले में जो रेड बीटल थी वो नेचुरल सेलेक्शन था। दूसरे में सिचुएशन में हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात की, क्यों वहाँ पर जेनेटिकली जो चेंज हुआ था, मतलब हाथी की वजह से मर गई थी। तीसरी सिचुएशन में इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से। तो दोस्तों ये थे आपके ये तीनों सिचुएशन, एक बार ये रिवाइज करें। आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने नहीं किया, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ उठा मिल सके। बोर्ड एग्ज़ाम है, सिलेबस आपका कम कर दिया गया, एक बार मैं चेक कर लूँगा फिर उसी हिसाब से पढ़ाएँ।